से मुझे जुड़े हुए मात्र 33 महीना हुआ है सर। इस बिजनेस को दिखाने वाले मेरे भगवान भगवान के दूत मसीहा मिस्टर वेद प्रकाश ओझा जी को मैं उनका चरण स्पर्श करता हूं। अगर वो इस बिजनेस में को मैं अगर मुझे नहीं लाए होते तो आज मेरी ये लाइफ नहीं होती। लोग शुक्रिया नहीं करते हैं, लोग कृतज्ञ नहीं दिखाते हैं। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, आप उनका धन्यवाद दो। आपके सीनियर ने आपको सपोर्ट किया, उसका धन्यवाद दो। आपके शिक्षक ने आपको ज्ञान दिया, उसको धन्यवाद दो। लोग धन्यवाद देने में कंजूसी करते हैं। कैसे सफलता मिलेगी सर? नहीं सफलता मिलेगी, क्योंकि सफल आदमी वही होता है जो दिल का अच्छा होता है सर, दिल का सच्चा होता है। आज 48 साल की एज में 33 महीने में मैं सीपी बीट किया, जिसके कारण पीछे कारण था मैं लोगों के प्रति कृतज्ञ जताता हूँ। मैं सत्यम भाटिया सर को, अशोक भाटिया सर को दिल से हर दिन नमन करता हूँ। मेरे दिल के सीने में उनकी तस्वीर बसी हुई है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने क्या प्रोडक्ट क्या सिस्टम बनाया कि मेरे नहीं आज लाखों घर में, गरीब के घर में आज चिंगारी जल रही है सर, लाखों घर में सपने सजे हुए हैं सर। दिन भर में एक से दो बार तो कम से कम शुक्र गुजार करो। आज 33 महीने पहले मेरी पहली मंथ की इनकम थी 665 रुपया, लास्ट मंथ की इनकम है 17,68,000 रुपया। 17,68,000 चाली में दाम नहीं है सर। और 33 महीने की टोटल इनकम है 1,63,06,34 रुपया। आप सोच के देखो सर, अपना दिमाग चलाना 3 साल के लिए बंद कर दो, सिस्टम को फॉलो कीजिए, अपलाइन के दिखाए हुए रास्ते से काम कीजिए, लोगों को शुक्रगुजार कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए, लोगों की कामयाबी के लिए काम कीजिए, लोगों को कामयाब कीजिए, लोग आपको अपने आप कामयाब कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा सर। मेरी क्या औकात थी 33 महीने में 1,63,00,000? मेरी औकात नहीं थी। महीने का 17 लाख रुपए कमाने का मेरा औकात नहीं था। आज ये जो मुझे मिला है ये सिस्टम के माध्यम से मिला है। आप जानना चाहते हैं 33 महीने पहले मेरी क्या लाइफ थी? यस सर, बॉम्बे की लोकल ट्रेन में रुमाल और सॉक्स बेचने का काम करता था। बॉम्बे में रूम नहीं था, प्लेटफॉर्म पर अखबार बिछा के सोता था। आज उस इंसान से पूछिए उस इंसान के सीने में कितनी बड़ी दर्द थी और क्या लाइफ था, क्या सिक्योरिटी था, कुछ था? अगर मैं अगर ये कर सकता हूँ, आप यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी कर सकता है। 125 करोड़ के देश के निवासी में 4,000 लोग यहाँ पर आए, 2,000 उठ के चले गए, 2,000 बैठे हैं, 100% आप सारे लोग सीपी होकर। जिनको सीपी नहीं बनना था, जिनके सपनों में जान नहीं थी, पैसा लगा, भूख लगा, चाय पीने की तसल्ली हो गई, बैठे बैठे बोर हो गए, उठ के चले गए, मीटिंग की एक बात आपको कौन सी बात क्लिक कर दे, जिक कर जाए और आपका लाइफ में कैसे परिवर्तन आ जाए ये कोई नहीं जानता है सर। जो बैठे हैं वो 100% लिए हैं और जो चले गए हैं सर छोड़ के गए हैं। आज से 33 महीना पहले मनोज कुमार सिंह की औकात यही थी, लोकल ट्रेन में रुमाल सॉक्स बेचता था। एक दिन मेरे पास में ऐसा था, मेरी बेटी को एकाएक पेट का दर्द हो गया और उस डॉक्टर ने जवाब दिया उसके ऑपरेशन में 16,000 रुपये लगेगा। मैं था मुंबई में, मेरी बेटी थी बिहार में, मेरी घर में इतनी स्थिति खराब थी, 16,000 क्या 1600 रुपये नहीं था, 1600 रुपया नहीं था। मेरी वाइफ मेरी बेटी को गोद में लेकर के रात के 12 बजे पटना के मैं रोड पर भटक रही थी, मेरा कोई पायल खरीद लो, मेरा कोई बिछिया खरीद लो, मेरा कोई कान का झुमका खरीद लो, कोई तो पैसा दो ताकि मैं अपनी बेटी की जान बचा सकूं। वो दर्द मैंने झेला है, वो दर्द। मेरे पास में फोन गया, मैं विवश था, मेरे पास में पैसा नहीं था। सर पैसा क्या चीज होता है? पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे के बिना कुछ होता भी नहीं है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, लेकिन आज ये आईएमसी बिजनेस ने वो सक्सेस दिया। आज मेरी बेटी स्कूल जाती है तो कार और ड्राइवर उसके साथ होता है, ये आईएमसी की पावर है।
सिर्फ 33 महीना पहले 16,000 के लिए दर दर का ठोकर खाते थे और 16 महीने के बाद ड्राइवर और कार मेरी बेटी की लाइफ में यह परिवर्तन आपको आईएमसी दे सकता है, लेकिन आपको आईएमसी से प्यार करना पड़ेगा, आपको आईएमसी के प्रोडक्ट से प्यार करना पड़ेगा, आपके अपने अपलाइन पर विश्वास करना पड़ेगा और आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। बिना पैसेंस रखे हुए कोई सक्सेस नहीं हुआ है सर। और ये लॉटरी नहीं है कि 25 का फॉर्म भर दिया और मनोज कुमार सिंह करंट प्रेसिडेंट बन गए, नहीं। सक्सेस हमेशा दर्द के कोख से पैदा होता है, दर्द तो झेलना पड़ेगा। अगर घुट घुट के अगर मरना है, अगर 30 साल 35 साल अगर घुट घुट के मरना है, एडजस्टमेंट की जिंदगी जीना है, वही नौकरी करते रहो। लेकिन अगर 6 महीने अपने आप को समर्पित कर दो, झोंक दो सर, आपकी 3 पीढ़ी सिक्योर हो जाएगी। डिसाइड आपको करना है, डिसाइड आपको करना है। 95% लोग पैदा ही होते हैं 5% लोगों को अमीर बनाने के लिए, 95% लोग पैदा ही होते हैं 5% लोगों को अमीर बनाने के लिए। डिसाइड करना है आपको कि आप 95% में रहना है या 5% में रहना है। नवंबर में इंदिरा गांधी स्टेडियम में मेगा इवेंट होने वाला है, 7 महीना बाकी है। जितने लोग ऊपर बैठे हुए हैं ये नीचे के सोफे के रोड पर बैठ सकते हैं, लेकिन आज यहां से डिसाइड करके जाना पड़ेगा। कितने लोग डिसाइड किए हैं? आपको डिसाइड करके यहीं से जाना पड़ेगा, क्योंकि आज का वो समय आपको कल नहीं मिलने वाला है। यस, डिसाइड करो, डिसाइड से कुछ नहीं होगा। प्लान करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा। यस, मुझे ये सोफे के चेयर पर 7 महीना में कैसे बैठना है, प्लानिंग के बाद देन एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। सोधी प्लान, सोधी प्लान, सोधी प्लान, सोधी प्लान। आईएमसी बिजनेस आपको सेलिब्रिटी बना सकता है सर। आज देखिए मेरे लिए स्पेशल गाड़ी आई, यानी कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। जिस दिन लोग आपके साथ सेल्फी लेने लगे आप कामयाब हो, जिस दिन लोग आपका क्या बोलते हैं सर उसको ऑटोग्राफ लेने लगे तो आप सक्सेस हो। जब तक आप लोगों के लिए तालियां बजाओगे मेरा अकाउंट भारी हो गया, लेकिन लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे आपका अकाउंट भारी हो। तो सर फॉलोअर मत बनो, लीडर बनने का प्रयास करो। लीडर वही होता है जो लीड करने की कैपेसिटी होता है, लीडर वही होता है जिसके अंदर दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। मैं यहां पर आपको उदाहरण दूंगा सर। उन दिनों मैंने आईएमसी बिजनेस की शुरुआत किया था, जिस समय बिहार में गिने चुने 1-2 दुकान थी, कोई सेमिनार नहीं था, कोई मीटिंग नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं था, कोई अचीवर नहीं था, कोई फेलियर नहीं था, यानी कि कुछ नहीं था। उस समय मेरे पास में बहुत बड़ा बहाना था बिजनेस को ना करने का, लेकिन मैंने डिसाइड किया इस बिजनेस में मुझे कामयाब बनना है। और एक बात जान लीजिए, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। दुनिया में कोई आदमी अगर आपको मोटिवेट कर रहा है, दुनिया में अगर कोई आदमी आपको मोटिवेट कर रहा है और आप मोटिवेट हो, यू आर नॉट ए लीडर। आप अपने आप से मोटिवेट अगर हो रहे हो, यू आर ए लीडर। सेल्फ डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन। आज आईएमसी वो प्लेटफॉर्म है सर। आज से 33 महीना पहले आसमान में हवाई जहाज उड़ते हुए देखते थे और सोचते थे अरे ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन आज एरोप्लेन में बैठ के बोर हो गए हैं, शौक से ट्रेन में चलते हैं। अरे एक बार तो ट्रेन से चले। अभी एक रुमाल शौक से बेचने वाला इंसान, ट्रेन में धक्का खाने वाला इंसान आपको लुधियाना टूर में मिलेगा, टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर के आएगा। यहां से जाएंगे पटना एयरपोर्ट, जाएंगे बुद्धा शोरूम और वहां से टॉप मॉडल 35 लाख का फॉर्च्यूनर गाड़ी लेने जा रहे हैं। ये ताकत आईएमसी ने हमें दिया है सर। लेकिन इस ताकत को पाने के लिए आपको जिद लेना पड़ेगा। बिना जिद का कुछ नहीं होता है। क्या आप जिद लोगे? आज यहां से डिसीजन लेकर उठेंगे? सारे लोग चेयरमैन बन के सोफा पर बैठने के लिए तैयार है, बिल्कुल तैयार है। इन्हीं शब्दों के
के साथ, क्योंकि समय कम है, हमारी अर्धांगिनी मेरी पावा, मैं लोग मुझे बिहार का शेर बोलते हैं और इस शेर को सवा शेर बनाने का काम मिस राधिका सिंह ने किया है। ये हमारी अर्धांगिनी वाइफ, इनके लिए जो दो शब्द बताऊंगा, जिस दिनों मैंने आईएमसी ज्वाइन किया था दोस्त, मेरे घर में राशन खाना बनाने के लिए राशन कार्ड से किरासन तेल और अरवा चावल गवर्नमेंट से मिलता था, उसको बेच करके बेचारी घर के सारी जरूरतें की पूर्ति करती थी, सारी का साया पार फट गया था, लेकिन अपने दर्द को इसने बर्दाश्त किया और मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहा कि आप करो जी, बहुत अच्छा चीज है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यहाँ दुआ का पैसा मिलता है, आप इसको करो, गाड़ी का धक्का खाने का काम छोड़ो, लोग को बताने में खराब लगता है कि मेरा हस्बैंड रुमाल सॉक्स बेचता है, आप ये आयुर्वेदिक काम करो। इन्होंने मुझे प्रेरणा दिया। सही पूछिए, आप लोगों को कन्विंस करने जाते हैं आईएमसी बताने के लिए, सर शुरुआत अपनी पत्नी को कन्विंस करने से कीजिए, जिस दिन आपकी पत्नी कन्विंस हो गई, आपको सीपी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ये फैमिली बिजनेस है और फैमिली में अर्धांगिनी का जो होता है ना सर, ये वो लक्ष्मी है, वो पावर है, अगर ये आपका हाथ थाम ले, क्या मजाल है कि आपके बढ़ते हुए कदम को कोई रोक ले। मैं ऐसी ग्रेट वाइफ राधिका सिंह, जिसके बाद माध्यम से मुझे ये सिस्टम में कामयाबी मिलेगी, उसके दो लफ्ज से। आदरणीय असद भाटिया जी, सत्यम भाटिया जी, आपको मेरा सत सत प्रणाम। आपने हमारी जिंदगी ही बदल दी। और हमारे अप्लाई देसर जी, आपको भी मेरा भी प्रणाम, सारे लीडर को मेरा प्रणाम। माँ बाप तो जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते हैं, कर्म खुद करना पड़ता है। माँ बाप चलना भी सिखाते हैं लेकिन जीना नहीं सिखा पाते हैं। आज आईएमसी ने हमें दौड़ना सिखाया, चलना सिखाया और जीना भी सिखाया है। सत्यम सर का जब जन्मदिन था तो अपने बच्चे को कहते थे कि बेटा आज ऐसे मसीहा का जन्मदिन है जिन्होंने हमारे जिंदगी को बदल दिया। तो मेरी बेटी बोलती थी किनका जन्म है, मैंने इनका फोटो दिखाया, मेरी बेटी बोलती है बहुत स्मार्ट है। बोले हाँ बिल्कुल बहुत स्मार्ट है। हम लोग बोलते थे कि बेटा आज बर्थडे है, आज बर्थडे का के लिए खीर बना लेते हैं, सारे बच्चे मिलके खीर भी खाए, भगवान को भी चढ़ाए और भगवान से यही दुआ मांगे। दो लाइन गा के सुनाती हूँ। तो जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको हमारी भी उम्र लग जाए सर। हम अपने विद्यालय में आज का सबसे टॉप मोटिवेशन, ज्यादा तो नहीं कमाते हैं, थोड़ा बहुत कमा ही लेते हैं, लेकिन उस विद्यालय से हमें बहुत कुछ मिला है, क्योंकि बच्चों को हम धोखा नहीं देते हैं, बच्चों से बहुत प्यार लेते हैं, जिनका आशीर्वाद आज मेरे सामने है। जब मैं विद्यालय पढ़ा के यहाँ आती थी तो इनमें एक अलग जुनून हमें नजर आया। मेरी बेटी बहुत बीमार थी, मेरी माँ जी भी बहुत बीमार थी, ये 6-7 कार्टून लेके मार्केट से आए और कहते हैं कि गुड़िया भी इनको तुरंत जाना है। बोले कहाँ जाना है, तो टाटा हमें जाना है। बोले अभी तुरंत जाना है। बोले हाँ। बोले खाना खा लीजिए। बहुत ठंड थी, बहुत शीतलहरी बह रही थी, हमें भी लग रहा था कि इनको तो बहुत ठंड लगती है, कैसे जाएंगे। फिर हमें लगा कि इस तूफान को रोकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते देना चाहिए। और मैं इनको खाना दी, ये खाना भी नहीं अच्छा से खाए,
और उसी समय 5-6 कार्टून लेके ये निकल पड़े 10 बजे रात में। हम बोले कि चलिए हम प्लेटफॉर्म पे छोड़ देते हैं, स्टेशन पे छोड़ देते हैं। तो ये बोले कि नहीं नहीं इतना रात में मत जाओ। जब ये गए तो हम उनको ये भी नहीं बोल पाए कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसका दवाई भी ला दीजिए, माँ जी भी बीमार है, कुछ किसी को बुला भी दीजिए। उस तूफान को देख के मैं उनको कुछ बोल नहीं पाई और मैं सोची कि अगर ये अहिंसी कर लेते हैं तो हो सकता है कल डॉक्टर भी हमारे घर पे आ जाए। इसलिए मैं ज्यादा टाइम ले रही हूँ इसके लिए सॉरी, लेकिन दो पंक्ति और गाऊंगी। अच्छा तो नहीं गाती, कोई कमेंट मत कीजिएगा। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। बदली है हमने अपनी दिशाएं, मंजिल नई तय करके दिखाए। जागृति सांखे बजाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर डॉक्टर बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। आईएमसी का दीप जलाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। जबरदस्त। और मैं माननीय डॉक्टर अशोक भाटिया जी से और श्री